अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्पाइस कुजीन। आज मैं आपके साथ एक और लंच बॉक्स सीरीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको लंच बॉक्स की रेसिपीज़ देती हूँ, ख़ास तौर पर बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए। ये रेसिपी भी हम अंडों से बनाएंगे। आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं, इसलिए अंडों को खाने में कोई मसला नहीं है। बहुत आसानी से बनने वाली है ये और बहुत हेल्दी है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से बहुत सी वेरिएशंस भी कर सकते हैं। मैं जैसे इसमें मुख्तलिफ तरह की सब्ज़ियाँ डाल रही हूँ, आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। जो फ्लेवर आप पसंद करते हैं आप ऐड करके बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी चीज़ी ऑमलेट स्टिक्स। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं अंडे, ये हैं 5 अदद, और ये मैंने छोटे साइज़ के लिए थे। आप अगर इसकी मकदार को बढ़ाते जाएंगे तो ये ज़्यादा बन जाएंगे। अब इन अंडों में मैं शामिल कर रही हूँ सब्ज़ियाँ जो मैंने यहाँ इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले मैंने इसमें डाली है प्याज 1 अदद, ये मैंने छोटे साइज़ की इस्तेमाल की है, और प्याज को मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर 1 अदद, और इसको भी आप देख सकते हैं कि मैंने छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ मशरूम्स 2 खाने के चम्मच, और ये मैंने वाइट मशरूम्स इस्तेमाल की हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है। कैप्सिकम या शिमला मिर्च, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने रेड वाली इस्तेमाल की है, 1 खाने का चम्मच। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई 2 अदद। साथ ही इसमें चले जाएंगे धनिया के पत्ते 2 खाने के चम्मच। मेरे पास फ्रेश नहीं थे, मैंने ये फ्रीज़ किए हुए इस्तेमाल किए हैं। आपके पास अगर फ्रेश हैं तो आप फ्रेश इस्तेमाल करें। अब इसमें जाएगा इसका मेन यानी की इंग्रेडिएंट चीज़। ये मैंने चेडर चीज़ इस्तेमाल की है, और ये मैंने ली है 70 ग्राम्स, 1/2 कप के जितनी है ये तकरीबन। आप अगर ज़्यादा इसको पसंद करते हैं तो इसकी मकदार को ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हस्बे ज़ायका, पेपरिका पाउडर इसमें जाएगा 1/2 चाय का चम्मच, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी पिसी हुई सफ़ेद मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसको इसकी जगह पर आप पिसी हुई काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें जो इसमें डालनी थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसको एक विस्क की मदद से मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारे पास एक यकचान सा अमेज़ा तैयार हो जाए, इस तरह से जैसे ऑमलेट का हम अमेज़ा तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, आप कोई भी पैन या ट्रे इस्तेमाल कर लें, शीशे की, एलुमिनियम की या स्टील की, उसको आप ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें, और कोई भी शेप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ओवल शेप ली है और ये शीशे की ट्रे है। अब इस ग्रीस ट्रे में मैं ये जो अमेज़ा हमने पहले से तैयार किया था ये डाल दूंगी। इसको डालने के बाद आप एल्युमिनियम फॉइल की मदद से इसको अच्छे तरीके से ऊपर से कवर कर दें। अच्छी तरह से इसको कवर होना चाहिए क्योंकि हमने इसको स्टीम करना है और हम नहीं चाहते कि पकते हुए इसके अंदर पानी चला जाए। स्टीम करने के लिए मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ स्टीमर के बगैर आप कैसे कर सकते हैं। एक चौड़े पैन में मैंने पानी लेकर इसमें स्टील का स्टैंड इस तरह से रखा है, और इसके ऊपर अब ये जो हमने पैन तैयार किया था वो रख देंगे इसके दरमियान में। और अब मैं इसको ढककर
20 से 25 मिनट के लिए इसको स्टीम दे दूंगी मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठा लिया है और आंच को मैंने बंद कर दिया है। अब आप एहतियात से इसको निकाल लीजिए इस बर्तन को। एल्युमिनियम फॉइल को मैंने रिमूव कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ऊपर से कुछ इस तरह की इसकी शेप होगी। आप इसको हल्का सा ठंडा होने दें। उसके बाद आप इसको किसी कटिंग बोर्ड पर या किसी प्लेट के ऊपर फ्लिप कर लें। थोड़ा सा आप हाथों से इसको टैप करेंगे तो ये आसानी से निकल आएगा। डिश को मैंने रिमूव कर दिया है और अब बारी है कि अब आप इसको काट लें। मैं इसको लंबाई के रुख काटूंगी। आप चाहें तो आप ज़्यादा लंबा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रख रही। बाद में इसको फ्राई करने में फिर हमें आसानी होगी। ये देखिए, इस तरह से एक तेज़ छुरी की मदद से मैं इसको काटती जाऊंगी। चीज़ी ऑमलेट स्टिक्स का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो स्टीम करके मैंने इस तरह से उसको काट लिया है। अब बारी है इनको कोट करने की। कोट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है दूध। आप इसको अंडे में भी कोट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आज दूध में कर रही हूँ। पहली कोटिंग इसकी दूध की होगी, उसके बाद आप इसको फ्रेश ब्रेड क्रम्स में कोट करें। इस तरह से चारों तरफ से अच्छी तरह से इसके ऊपर ये लग जाना चाहिए। आप चाहें तो आप इस प्रोसेस को दो मरतबा भी कर सकते हैं डबल कोटिंग के लिए, लेकिन मुझे थोड़ी पतली कोटिंग ही पसंद है, मैं इसलिए एक मरतबा ही कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल फुली इसको कवर करें तो आप इसको दो मरतबा कोट कीजिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने इन स्टिक्स को कोट कर लिया है। ये तैयार हैं अब कि हम इनको फ्राई कर लें। फ्राई करने के लिए पैन में मैंने ऑयल मीडियम गरम कर लिया है। हमने इनको डीप फ्राई करना है। अंदर से चूंकि ये पकी हुई हैं, हमने इनको कोई धीमी आंच पर ज़्यादा देर नहीं पकाना। बस मीडियम फ्लेम पर आप इनको इतनी देर तक पकाएं कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं। दरमियान में जब एक साइड से ये हो जाएं तो आप इनकी साइड्स चेंज कर लें। और ये देखें, ज़बरदस्ती बहुत क्रंची, बहुत मज़े की हमारी चीज़ी ऑमलेट स्टिक्स तैयार हैं। आप इनको निकाल लीजिए। किचन पेपर के ऊपर आप इनको निकालिए ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। और आप देख सकते हैं, इनको देखने से ही पता लग रहा है कि ये कितनी क्रंची बनी है। बहुत मज़े की लगती हैं। आप इसको किसी भी सॉस के साथ या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। टी टाइम स्नैक के तौर पर भी ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।